We are starting question number 7, miscellaneous exercise, chapter 16. हमारे पास चल रहा है class 11 अभी है. A and B are two events. दो event है A and B, such that सारी information हमारे पास यहाँ पर given है. P A given है, P B given है और P A and B intersection जिसे आप कहते हैं वो भी given है. हमें निकालना है P A union B. तो brother P A union B का formula आपको अच्छे से रटा हुआ है. P A plus P B minus P A intersection B. PA कितना है वैल्यूज रख लीजिए 0.54, PB कितना है 0.69 और आप यहां पर वैल्यूज रख लीजिए -0.35. आपके पास ये सारा ऑप्शन आ गया है. इन दोनों को प्लस करकर आप माइनस करिए 0.88. आपके पास क्या आ गया है प्रोबेबिलिटी A और B, A यूनियन B, A और B ये आपके पास आ चुका है. अगला हमें निकालना है सेकंड और सेकंड में ये कह रहा है कि P A not A and not B. आपको ये निकालना है कि probability not A and not B. आपको डी मॉर्गन लॉ अच्छे से अब ध्यान आता है तो इसको किस तरह से हम लिख सकते हैं ये इक्वल होता है A union B का कॉम्प्लीमेंट. ठीक है आप इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं और ये खुद किसके इक्वल होता है वन में से अगर आप माइनस कर लीजिए A union B को तो इसके इक्वल रहेगा. तो 1 में से आप इसको 0.88 को माइनस कर लीजिए 0.12 आपके पास ये आंसर यहां पर रहेगा. आ रहा है समझ में आ रहा है 1 से माइनस करना है भाइयों 1 को ऐसे लिखना फिर माइनस करना बात समझे तब आएगा ये 0.12. अगला देख लीजिए अगला आपके पास है थर्ड और थर्ड में ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी ए एंड नॉट बी प्रोबेबिलिटी ए एंड नॉट बी ये आपको निकालना है. तो प्रोबेबिलिटी ए एंड नॉट बी क्या होता है प्रोबेबिलिटी ए में से आप माइनस कर दीजिए जो आपके पास प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी होगा उसको आप माइनस कर लीजिए. सैंपल स्पेस तो दोनों के लिए सेम रहेंगे इसलिए मैंने वो लिखा नहीं है या आप ये कहिए इसका फॉर्मूला यही याद कर लो प्रोबेबिलिटी ए एंड नॉट बी उसका क्या होगा प्रोबेबिलिटी ए माइनस कॉमन कॉमन पार्ट को माइनस कर लो. तो प्रोबेबिलिटी ए कितना आपके पास वो है सर 0.54 माइनस कर लो कॉमन पार्ट कितना है 0.35 ये आपके पास आ गया 0.19 बात समझे. अगले पे आ जाइए नंबर फोर्थ हमारे पास है और यहां पर ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है बी एंड ए ये वाली प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है. तो देखिए प्रोबेबिलिटी बी एंड नॉट ए इसको आपको निकालना है वही वाली बात है प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B. तो प्रोबेबिलिटी B कितना है आपके पास B है 0.69 यहां पर लिखिए माइनस करिए 0.35 आपके पास ऑप्शन आ गया है 0.34 ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर्स रहेंगे. इस सम्स के लिए काफी इजी सम था इजीली आपने सीख लिया है. एक दो बातें आपने इसमें नई सीखी हैं जिसको आपको अच्छे से ये जो नई बातें हैं न्यू बातें हैं आपको अच्छे से आगे तक ध्यान रखनी है. अगर ये समझने में आसानी रही है समझने में अच्छा लगा है लाइक कीजिए हमें शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल. थैंक यू थैंक यू.